नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टुडेज करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज है 2 जनवरी 2019, तो आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सारी करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी कंपनियों को शेयर बाजार को जो है सूचीबद्ध करने और एक को FPO लाने की अनुमति दी है, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल जो है वो आपके 6 हैं। ये कितनी कंपनियों को शेयर बाजार में, तो यहाँ पर 6 कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने और एक को FPO लाने की अनुमति दी है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। भारत ने जैव विविधता परिषद यानी कि CBD के तहत कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य यानी कि NVT निर्धारित किए हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है दोस्तों आप लोग का 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि मैंने आपको टाइटल में भी दे रखा है, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा, ठीक है, रॉस द्वीप को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इस द्वीप को नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम दिया गया दोस्तों? इस द्वीप को नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता दें, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो हैवलॉक द्वीप है इसको क्या नाम दिया गया? तो हैवलॉक द्वीप को नाम दिया गया है यहाँ पर स्वराज द्वीप, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है यहाँ पर जो द्वीप था रॉस द्वीप इसको सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। वह राज्य जिसने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान शुरू किया था, तो दोस्तों वो राज्य है हरियाणा। और इसके बाद देखिए, भुवन शोम और मृग्या नामक फिल्मों के निर्देशक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों ये महान व्यक्ति हैं मृणाल सेन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री शेख हसीना जी ने आम चुनावों में लगातार इतनी बार बहुमत हासिल किया, तो तीसरी बार। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे भारतीय क्रिकेटर जिसने इस साल 2018 में कुल जो है 2735 रन बनाकर लगातार तीसरे साल इस कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, तो दोस्तों ये हैं महान खिलाड़ी विराट कोहली, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2006 से 2016 के दौरान 73 बाघों की मौत हो गई? तो ये है ओडिशा सरकार, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में कितने विकेट लेने के साथ भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों ये है 9, ठीक है, कितने विकेट? 9 विकेट लेने के बाद ये भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए। तो फिलहाल दोस्तों आज की करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसकी PDF फाइल आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर जो लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप लोग आज की इस PDF फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फिलहाल अभी लेते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से कल कुछ और लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।